बच्चों ध्यान से देखना, आज कुछ एक और एप्लीकेशन करवाऊंगा मैं, एसएचएम की करवाऊंगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन एसएचएम पढ़ाएंगे ताकि तुम्हारा अच्छे से पेपर हो जाए, है ना। तो अभी फिर से कह रहा हूं एक बार मैं कि ना, तो जेई के बच्चों ने एसएचएम अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी अभी जस्ट मैं डीपीपी भेजूंगा, क्लास खत्म होती सभी बच्चों ने वो डीपीपी सोल्व करनी है। इवनिंग में तुम्हारी कितने से कितने क्लास है देख लेना, एक बार सुन लो। फिर से कह रहा हूँ, लेक्चर सारे के सारे अपलोड कर दिए, ठीक है, तो प्लीज देख लो जाके, देखो ध्यान से, जल्दी से ध्यान देना। अभी एसएचएम क्या है, एसएचएम में हमने एंगुलर एसएचएम करवाया था, है ना, और सिंपल पेंडुलम करवाया था। डीपीपी मैं भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही, ठीक है। दीपाली, ओके, यस। तो एसएचएम की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। चलो एसएचएम स्टार्ट करते हैं। एसएचएम में बच्चों आपने एंगुलर एसएचएम पढ़ा था, एंगुलर पेंडुलम पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो वहां पे क्या था, हमारे पास एक ऐसे पेंडुलम ऐसे कुछ था, ठीक है, कुछ इस तरीके से था पेंडुलम हमारे पास, समझ में आया। जिसका मास एम है, ओके, अच्छी बात। अब ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहे थे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। आप लोगों ने इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी मेजर किया होगा, जो कितना आया था, क्या आया था, जल्दी बताओ। टी इज गोस टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो मैं बोलूं तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे आई थी अंडर रूट जी बाई एल। कैलकुलेशन भी मैंने करवाया था टोर्क के हिसाब से, टोर्क लगवा के करवाया था ना। हाँ, सिंपल सी बात है, मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करो, टोर्क लग रहा है तो टोर्क लगाओ, फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाओ, ठीक है। नेट फोर्स मीन पोजिशन से एक्स डिस्प्लेस करके, या नेट टोर्क मीन पोजिशन से एक्स डिस्प्लेस करके लगाओ, और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो एफ इज टू माइनस के एक्स की फॉर्म में बनेगा। वहां पे हमें एम ए पुट करना है एफ की जगह, और वहां पे हम ए की वैल्यू लेके आएंगे और उसको कंपेयर कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, या फिर अल्फा की वैल्यू लेके आएंगे उसको कंपेयर कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। समझ में आया, दोनों चीजें करवाई थी ना। हाँ, अब ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। इसी के ब्याह पे, इसी के फॉर्मूले पे, मान लो आपके पास एक ऐसा रोड है जो यहां से कर्व, और इस कर्व की रेडियस है आर। इस कर्व की कितनी रेडियस है, आर। बच्चों साउंड प्रॉब्लम आए तो प्लीज बोल दिया करो, है ना। कर्व की रेडियस कितनी है, आर, यस। और यहां पे आपकी गाड़ी चल रही है, ये कर्व की रेडियस है आर, यहां पे गाड़ी चल रही है आपकी, आपने बंद कर दी न्यूट्रल करके। अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी कर्व पाथ में, तो जैसे यहां पे इसकी लेंथ थी एल, तो आपने अंडर रूट जी बाय एल किया था, यहां पे इसकी रेडियस है कर्व पाथ की आर, तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट जी बाय आर, और टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, तो आप लिख दोगे टी इज टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। ये सब लोगों ने कैलकुलेट मैंने करवाया था क्लास में तुम्हारे, उसी के ब्याह पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है।
चाहे यहां पे गाड़ी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कोई हो, उसका एसएचएम यही आएगा फॉर्मूला। उसकी ओमेगा ऐसे ही निकलेगी, उसका टाइम पीरियड ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। यस, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और फोकस करते हैं, ठीक है। अब लिख एडिंग डाल लो, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना सभी। यस बच्चों, हमारे पास मान लो ऐसे कॉलम है लिक्विड का, ऐसे, ठीक है। हाँ, उसमें लिक्विड भरा हुआ है मान लो एच आई तक, उसमें लिक्विड भरा हुआ है एच आई तक, देखो बच्चों उसमें मान लो एच आई तक लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, अब आपसे कोई क्या करे, मैं यहां से मान लो फूक मार दूं यहां से, तो पानी का लेवल ऐसे ऊपर चला जाएगा, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया याद रखना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये यहां से मान लो y ऊपर गया, तो यहां से y नीचे आएगा, पानी का लेवल आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा ना बच्चों, बताओ भाई, यहां से वाई नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये पोर्शन है, जो इतना पोर्शन है, वो इस पोर्शन के ऊपर बराबर फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यहां पे। ये पोर्शन जितना फोर्स लगाएगा उतना ये लगाएगा, नेट फोर्स जीरो। हाँ ध्यान से देखना, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस पोर्शन का फोर्स तो ये फोर्स कैंसिल आउट कर देगा, इस पोर्शन का फोर्स तो इस पोर्शन के फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखना है सभी ने, ठीक है। मैं बोलूंगा इस पोर्शन का फोर्स तो ये पोर्शन का फोर्स कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या, वाई और ये वाई, मतलब बेसिकली ये पोर्शन है जो हमारे पास, ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, है ना, समझ में आया नहीं आया, यस। तो हम फोर्स को लिख देंगे एफ इज प्लस टू, मान लो लिक्विड की डेंसिटी है रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू रो A, इसका मास इंटू जी, अरे कंप्लीट इस पोर्शन का मास इंटू जी, तो लगाओगे फोर्स एक्स्ट्रा,
तो रो ए टू वाई, ये तो मास हो गया, इंटू जी। तो जब आप एफ लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस का टू रो ए जी वाई। समझ में आया क्या? तो यहां पे आपके पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये नेट फोर्स आ गया है ना, यस। तो नेट फोर्स आ गया तो मैं बोलूंगा यहां पे आप m इंटू ए लिख सकते हो f की जगह, इंटू टू रो ए जी वाई। अब ये पूरा कॉन्स्टेंट है, के वाई वाला पोर्शन आ गया, के एक्स के वाई है ना। अब ये मास है, ये मास किसका है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, सारे लिक्विड पे लग रहा है ना, और लिक्विड जब इनिशियली था तो एच आइट तक था, है ना। अरे हाँ कि ना, इनिशियली लिक्विड था तो एच आइट तक था, आया नहीं था, बिल्कुल था। तो जब इनिशियली लिक्विड था वो एच आइट तक था, उसी पे कंप्लीट पे फोर्स लग रहा है, तो हम कंप्लीट का ही फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो मास भी कंप्लीट इक्वल करेंगे ना, तो हम लिख देंगे, ध्यान से देखना, रो मास की वैल्यू पुट करोगे, सभी करके बताओ कितनी आएगी, जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रहा तुम बताओगे, मास की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ, चल रहा है, हाँ सिक्स आर लेट बताओ, शाबाश, अरे बताओ बता दो भाई, ये पूरा एस तक लिक्विड था इनिशियली, देखो ये एच है पूरा, ये एच और ये एच है ना, तो आप क्या बोलोगे, मास था सर टू एच लेंथ ऑफ द ट्यूब इंटू रो जी, सॉरी रो ए, कंप्लीट आ गया मास ऑफ द लिक्विड, यहां पे आप लिख दोगे z इंटू वाई। बेटा h इधर था, h इधर भी तो था है ना, तो कंप्लीट पे फोर्स लगा था ना, फोर्स, अरे ओसिलेट किसको करवा रहे हो, कंप्लीट वोटर को ओसिलेट करवा रहे हो ना, तो कंप्लीट वोटर का मास लिखोगे ना यहां पे, आ गई ना बस। तो फिर तो टू से टू कट गया, रो से रो कट गया, ए से ए कट गया, बच गया क्या, z by h into y, a की वैल्यू क्या आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे आप, बताओ जल्दी से, अरे ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे ना, अंडर रूट z by h, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, शाबाश, बताओ भाई, ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे ना, वही आंसर आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना बच्चों, यस, आ जाओ अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, सिंपल सी बात, अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं होनी। अब आता है, मान लो जो अर्थ होती है, अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है,
किसने अर्थ के बिल्कुल सेंटर बीचों बीच होल कर दिया ऐसे, ठीक है। हाँ, आपसे बोला गया कि जो जी की वैल्यू आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आती है जी डैश जो चेंज होती है अर्थ के अंदर, आप जब मूव करते हो तो जी डैश की वैल्यू चेंज होती है, सरफेस पे जी होती है, ठीक है। उसका वेरिएशन है जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर। अब आप बोलोगे ये डी क्या आ गया, मैं बोलूंगा ये रेडियस तो कंप्लीट होती है आर, डी होती है आप सरफेस से कितना अंदर आए डेप्थ, और वाई एक अलग डेटा ले लिया जिसकी वैल्यू है आर माइनस जी। समझ में आया? तो मान लो पार्टिकल यहां से, हमने ये मेन पोजिशन होती है, ठीक है, यहां से छोड़ोगे तब भी अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी सेंटर के टूवर्ड्स, एम जी इधर भी लगेगा, तो ये मेन पोजिशन होती है। पार्टिकल को यहां से अगर आप वाई डिस्प्लेस करोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इज टू एम जी डैश, और जी डैश की वैल्यू क्या है, जी इंटू वन माइनस डी बाय आर। सोल्व करोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने M इंटू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, आर माइनस डी अपॉन आर। समझ में आया? आया क्या बच्चों? ये तो फोर्स लगेगा, नेगेटिव साइन आप लगा दो, मैंने बोला था, ठीक है। हाँ, तो जब ये वाई डिस्प्लेस होगा तो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी एम जी डैश टूवर्ड्स मेन पोजिशन। एम जी डैश मैंने लिख दिया, सोल्व कर दिया, आर माइनस जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में वाई के बराबर, तो एम जी अपॉन आर इंटू वाई। समझ में आया? तो यहां पे सिंपल सी बात है, अब आप यहां पे एफ इज टू एम ए कर दो, है भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो आप लोग, एम से एम कट गया, इसको कर कंपेयर कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी बाय आर। समझ में आया? बेस्ट तो टाइम पीरियड में निकाल लोगे ना, है भाई। अब आ जाओ, लिखो ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। ये सभी एप्लीकेशन करवा रहा हूं इस वजह से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स आप कवर अप कर लो। ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, सिलेंडर y किसकी वैल्यू है बेटा, y किसकी वैल्यू है, पर ध्यान से देखो, y मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये मीन पोजिशन है, इससे डिस्प्लेसमेंट अगर आप y करोगे पार्टिकल को तो उसके ऊपर टूवर्ड्स मीन पोजिशन फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा एम जी डैश। समझ में आया? y की वैल्यू है ये कंप्लीट r रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है याद रखना, डी क्या है अर्थ से कितना अंदर पार्टिकल है। समझ में आया? यस, बिल्कुल। ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, मान लो बच्चों आपके पास थोड़ा और इसको अच्छे से करता हूं, मान लो बच्चों आपके पास ऐसे बीकर है और उसमें लकड़ी का टुकड़ा एक कोर्क जिसको हम नाम दे देते हैं, इसमें लिक्विड डाला हुआ है ऐसे,
ठीक है, इसकी डेंसिटी है रो सी, मान लो ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो एल, तो मान लो इसकी टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ कोर्क हो जाएगा आपके सामने रो सी एल इंटू ए, ये तो मास हो जाएगा है ना, रो इंटू वी। अब आपसे फिर से एक बात कर रहा हूं और समझा देता हूं, जब भी किसी चीज को आप पानी में डालोगे तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रही है उतना फोर्स इस कोर के ऊपर पानी लगाता है या लिक्विड लगाता है ऊपर की डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कितना डिस्प्लेस हुआ, मैं बोलूंगा इतना हुआ है, देख हुआ या नहीं हुआ, तुम लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वाय रो एल इंटू, इसको मान लेते हैं हम डी, तो डी इंटू ए, इतना मास डिस्प्लेस हुआ है ना, अरे इतना ही डिस्प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, बस तो फिर क्या दिक्कत, ठीक है। हाँ मान लो ये अभी स्टैटिक है, यहां पे फ्लोट कर रहा है ऐसे, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है एम जी, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है वो लग रहा है बायोएनर्जी। अब बायोएनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, तो रो इंटू एल इंटू डी इंटू ए इंटू जी, ये बायोएनर्जी फोर्स लगाता है कोई भी लिक्विड, जब उसका लिक्विड का पोर्शन कुछ डिस्प्लेस हो जाता है किसी भी बॉडी से, उसी बॉडी पे लगाता है, यहां पे कॉर्क ने डिस्प्लेस किया तो कॉर्क के पे लगा दिया, नीचे की साइड कितना लग रहा है, रो सी इंटू एल इंटू ए इंटू जी, तो आप बोलोगे फॉर इक्विलिब्रियम रो एल डी ए जी इक्वल्स टू रो सी एल ए जी, बराबर हो जाएंगे फॉर इक्विलिब्रियम, तो बराबर हो जाएंगे ना, जब रेस्ट पे रहेगा ये, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, अब आ रही आवाज, बताओ बताओ भाई, डन यस। तो मैं आपको बात बता देता हूं, अगर ये तो अभी रेस्ट पे है, ये फ्लोट अब यहां जम यू है, अभी मान लो मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो क्या बढ़ेगा, क्या एम जी बढ़ेगा या एफ बी बढ़ेगा, बायोएनर्जी फोर्स बढ़ेगा या एम जी बढ़ेगा, जल्दी बताओ, इसको अगर मैं एक्स डिस्प्लेस कर देता हूं नीचे की डायरेक्शन, जल्दी बताओ बच्चों क्या बढ़ेगा, बताओ शाबाश, बताओ भाई, बताओ इसको जब आप नीचे की साइड डिस्प्लेस करोगे, इस कोर्क को यूं दबाओगे पानी में, तो सिंपल सी बात है बच्चों, बायोएनर्जी बढ़ेगा, एमजी तो क्यों बढ़ेगा, एमजी में कोई चेंज आ रहा है क्या, एमजी में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, डी चेंज होगा, डी ज्यादा हो जाएगा, और डी ज्यादा हो जाएगा तो बायोएनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो हम उस टाइम पे इसको एक्स डिस्प्लेस करके बायो नेट फोर्स निकालेंगे, मीन पोजिशन से एक्स डिस्प्लेस करते थे ना,
लॉजिक देखो वही लग रहा है, मीन पोजिशन से एक्स डिस्प्लेस करने वाला, तो एफ नेट आएगा, ध्यान से देखना आप और अच्छे से समझना, एम जी माइनस बायोनसी, एम जी की वैल्यू क्या आएगी, रो सी एल ए जी माइनस बायोनसी, अब कितना हो जाएगा, रो एल ए जी इंटू डी प्लस ए, बताओ भाई साक्षी गुप्ता आप तो ठीक है भाई, यस। तो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, फिर से एक बार बता देता हूं, फिर ये मत बोलना, रो सी इंटू ए इंटू जी, और जब ये नीचे आएगा तो क्या ये आपसे पूछूंगा मैं, डी प्लस एक्स हो जाएगा, पानी के अंदर ये डी प्लस एक्स पोर्शन आ जाएगा ना ऐसे, तो बायोलॉजी हो जाएगा डी प्लस एक्स, एफ नेट आ जाएगा, ये रो ऑफ लिक्विड था ना यहां पे, तो रो ऑफ बच्चों सॉरी यहां पे रो एल आएगा, हाँ ये रो एल आएगा, और ये क्या था, रो सी, और का मास इनटू ये बायोनसी लगेगी तो रो ऑफ लिक्विड आएगा, तो यहां से आप क्या करोगे, एजी कॉमन निकाल लो, एजी कॉमन निकाल लो, रो सी माइनस रो एल, या मैं आपसे बोलूं और सबसे आसान करो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब रो सी एल ए जी माइनस रो एल ए जी डी माइनस रो एल ए जी एक्स, अब ध्यान से देखो तो ये और ये तो बराबर है, तो ये और ये बराबर है, देखो टर्म्स देख लो एक बार ध्यान से, शाबाश, है या नहीं है, तो कट जाएंगी, एफ नेट आ जाएगा आपका रो एल ए जी एक्स, माइनस का, समझ में आया, अब इसको कंपेयर कर दो एम इंटू ए से, एम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, एम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, रो ऑफ कॉर्क इंटू एल इंटू ए इंटू जी, जी नहीं आएगा ना, जी तो उसमें आता है, यस मास लिखना है, रो इंटू एल रो सी इंटू एल ए इंटू ए माइनस रो एल ए जी एक्स, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रोएल बाय रोसी, ए से ए कट गया, जी बाय कैपिटल एल इंटू एक्स, बच्चों क्या इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर दोगे, कर दोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बताओ ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों, आ जाएगी क्या ओमेगा की वैल्यू, वैसे तो क्या दिक्कत है, कंपेयर कर लेना ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा एक तरीका बता देता हूं आपको, दूसरा भी तो तरीका बताएंगे, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना,
अगर आपने किसी कोर्क को, ये तो रो रो सी फॉर्म में है ना, कोई कोर्क लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ना, उसका एच पोर्शन उसके अंदर है और ओसिलेट कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ध्यान से देख लेना अच्छे समझ लेना, जी बाय एच, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, जितना पोर्शन ऑफ कॉर्क है जो सबमर्ज कर रहा है उसका आंसर ये आएगा, और दूसरा यहां से निकालोगे तो एक ये आंसर आएगा रो एल और रो सी की फॉर्म में, समझ में आ गया? अरे आ गया या नहीं आ गया? बेसिकली रो एल रो सी इंटू एल, इसकी वैल्यू ये होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बताता हूं। देखो देखो, कई बच्चे सोचते हैं ये सर कैसे आया, देख बेटे मैं बताता हूं, यहां से इक्वेट करना स्टार्ट कर, ए से कट गया, एल की वैल्यू रो, ये यहां पे क्या है रो एल, यहां पे क्या है रो सी, इसको इधर ले आ, रो सी ये क्या है बी, ये क्या है एल, जी से जी कट गया है ना, अब ध्यान से देखना अच्छे से समझना, इसको तू ऐसे भी तो पुट कर सकता है, डी इज इक्वल टू एल रो सी बाय रो एल, है भाई देखिए इसी की वैल्यू है जो डी के बराबर है या नहीं, और आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बोल दिया जाए कि जो कोर्क है, यहां पे थोड़ा और अच्छा रहेगा जब मैं ऐसे बोलूंगा कि उसको डी डेप्थ अंदर है और ओसिलेट कर रहा है, मीन पोजिशन उसकी डी डेप्थ अंदर आती है ऐसे, तो यहां पे आएगा अंडर रूट जी बाई डी, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया क्या, बताओ भाई बता दो, दिक्कत किस चीज की, करते रहो सुन, इसकी वैल्यू भी तो डी है जो मैंने अभी बताया, ये डी है इसकी वैल्यू, वहां से देख लो कैलकुलेट करके भी किया है, अब आगे ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ये चीजें आपको ऐसे नहीं करवाई जा रही, प्रैक्टिस करवाई जा रही है सो दैट मैक्सिमम टाइप आप कवर कर लो, और आप कल को ऐसा ना सोचो कि हमने नहीं किया, क्योंकि मैं बताता हूं एसएचएम एक ऐसा है जिसको आप 6 महीने भी पढ़ा सकते हो, पूरा पूरा काइनेमेटिक्स यूज हो सकता है, पूरा एनएलएम यूज हो सकता है, और पूरा का पूरा रोटेशनल यूज हो सकता है, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल यूज हो सकता है, इवन इसमें थर्मोडायनेमिक भी यूज हो सकता है, इसमें फ्लूइड भी यूज हो सकता है, और 12th का पोर्शन भी मैक्सिमम यूज हो सकता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम टाइम्स मिक्स कॉन्सेप्ट में दिया जाता है, मिक्स कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम एसएचएम यूज होता है एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, अभी बायंसी किसमें लगता है, किसमें लगता है, फ्लूइड में लगता है, समझे बस, तो फिर है ना बेटा यही होता है, समझ में आया ना, यस अब आ जाओ।